चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए सेशन, एक नए वीडियो के साथ पढ़ेंगे, नया टॉपिक। आज हम लोग पढ़ते हैं विश्व की जल संधि। क्या पढ़ेंगे लोग? विश्व की जल संधि, ठीक है। इन सारे को पहले से ही बोर्ड पर लिख दिया गया ताकि कम समय में जल्दी से बताया जा सके, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो सके। देखिए, जल संधि पहले होता क्या है? जल संधि बताइए क्या होता है, कोई बताएगा जल संधि क्या होता है? दो महासागरों को जोड़ने वाला जल संधि होता है, जो दो भूमि या दो जमीन के मध्य बीच में जो एक पतला रास्ता होता है, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में जो रास्ता है, बीच में जल समुद्र का रास्ता है, यानी जल के द्वारा जो रास्ता बना उसी बोलते हैं जल संधि। क्या बोलते हैं उसको? जो या तो दो जलों को मिलाएगा, इधर के समुद्र को इधर समुद्र को मिलाएगा, या दो भूमि जो भूमि को अलग करेगा। जल संधि किसे बोलते हैं? जल संधि किसे बोलते हैं? दो भूमि को अलग करेगा, दो समुद्र को मिला, दो समुद्र को एक साथ जोड़ता है, यानी संधि करता है, उसी को जल संधि कहते हैं। यहाँ देखेंगे एक नंबर पर क्या लिखा हुआ है, एक नंबर पर क्या लिखा हुआ है? पाक जल संधि। पाक जल संधि कहाँ होगा? पाक जल संधि किसको किसको अलग कर रहा है और किसको किसको जोड़ रहा है? पाक जल संधि, पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि कहाँ कहाँ है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका। यहाँ भारत और श्रीलंका, सबसे पहले तो मैप को समझना पड़ेगा, ये कौन सा माध्यम से होगा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमरीका और दक्षिणी अमरीका। ये कौन सा देश हो जाएगा? ग्रीनलैंड, ये आइसलैंड, ये हो जाएगा मेडागास्कर द्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड। यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उसके नीचे है जापान, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, समझ आ रहा है ना? उसके नीचे देखेंगे तो ये इंडोनेशिया और ये मलेशिया, ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो एक नंबर लिखा गया है पाक जल संधि किसके किसके बीच में है? पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। कौन सा जल संधि हो जाएगा? पाक जल संधि। ग्रेट चैनल देखेंगे किसी किसके मध्य में है? ग्रेट चैनल जो हो जाएगा, ग्रेट चैनल किसी किसके बीच में जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के बीच में, अंडमान निकोबार के और इंडोनेशिया, इसे ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में बोला जा सकता है ना? भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी जल संधि है? कौन सी जल संधि हो जाएगी? ग्रेट चैनल। उसके बाद देखेंगे तीन नंबर में है मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि? मलक्का। ये कहाँ कहाँ हो जाएगा? मलक्का हो जाएगा इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया कौन सी जल संधि अलग करता है? मलक्का जल संधि। उसके बाद है सुशीमा जल संधि कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी कोरिया। वेरी गुड, दक्षिणी कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये उत्तर कोरिया ऊपर हो गया, नीचे में दक्षिण कोरिया हो गया। दक्षिणी कोरिया और जापान को अलग करता है कौन सी जल संधि? सुशीमा जल संधि। एक जल संधि है सुगारू जल संधि, ये किस कौन कौन से अलग करेगा? देखिए, सुशीमा जल संधि और सुगारू जल संधि लिखने के कारण सुशीमा और सुगारू जो है दोनों नाम एक दूसरे से मिलते जुलते नाम लगते हैं। क्या नाम लगते हैं? मिलते जुलते नाम लगते हैं सुशीमा और सुगारू, ठीक है। तो सुशीमा जो जल संधि है उसको ध्यान रखेंगे, दक्षिणी कोरिया और जापान के को अलग करता है कौन सी जल संधि? सुशीमा। और जापान जो अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, तो जापान को ही, जापान से उसके एक होन्सू द्वीप और होकेंडा द्वीप, कौन से द्वीप है? जापान के दो द्वीप है, होन्सू और होकेंडा द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करेगा? सुगारू जल संधि। कौन सा? सुगारू। कौन सी जल संधि? सुगारू जल संधि जो है जापान के होन्सू द्वीप और होकेंडा द्वीप को अलग करता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बेरिंग जल संधि, ये किसको किसको अलग करता है? बेरिंग जल संधि देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, या यहाँ पर, क्योंकि ग्लोब में ये पूरी ग्लोब पर देखेंगे तो पूरा ये गोल मिलेगा आपको, ये भाग और ये भाग दोनों एक पास मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जल संधि है ये कौन सी जल संधि हो जाएगी? बेरिंग जल संधि। छह नंबर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किसको किसको अलग कर रहा है? ये रूस का, ये रूस हो जाएगा एशिया का, ये कौन से देश ऊपर में जाएगा? रूस हो जाएगा। रूस का यहाँ भाग है साइबेरिया, कौन सा है? साइबेरिया। यहाँ पर आ जाएंगे तो ये अमेरिका का कौन सा भाग हो जाएगा? अलास्का। यानी कि साइबेरिया और अलास्का को अलग कर रहा है कौन सी जल संधि? कौन सी जल संधि हो जाएगा? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, या इसको बोल सकते हैं एशिया और उत्तरी अमरीका। एशिया और उत्तरी अमरीका को अलग कर रहा है कौन सी जल संधि? एशिया और उत्तरी अमरीका को अलग कर रहा है उत्तरी एशिया और उत्तरी अमरीका, कौन कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ अमरीका, ठीक है। एशिया और उत्तरी अमरीका को अलग कर रहा है कौन सा जल संधि? बेरिंग जल संधि, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या है कूक जल संधि। कूक जल संधि कहाँ का अलग करेगा?
कुक जो जल संधि है ये वाला देश में शुरू में ही बताया था, ये कौन सा देश हो जाएगा? न्यूजीलैंड। यानी कि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग कौन सा करता है? कौन करेगा? कुक जल संधि। कितना नंबर है? 7 नंबर। कुक जल संधि, कुक जल संधि पूछेगा क्वेश्चन, कुक जल संधि जो है किसको किसको अलग करता है? तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि अलग कर रहा है? कुक जल संधि। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बाब अल मंडेव, ये पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है बाब अल मंडेव। यहां देखेंगे तो यहां जो है अदन की खाड़ी है, यहां लाल सागर है, लाल सागर है, और यहां पे जो है अदन की खाड़ी, लाल सागर, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर है, समझ आया? यहां है अदन की खाड़ी, ठीक है, यहां है लाल सागर, ये भूमध्य सागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्य सागर है। ठीक है, इसको देखेंगे सॉरी अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी और ये जो लाल सागर है इसको कौन सी जोड़ रहा है? कौन सी जल संधि जोड़ रहा है? कौन सी जल संधि इसको जोड़ रहा है? अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ रहा है बाब अल मंडेव। कौन सी? बाब अल मंडेव। इसको ध्यान से रखेंगे, बाब अल मंडेव जो है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी यहां आ जाएगा और लाल सागर को जोड़ता है, या इसको बोल सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। कौन सी जल संधि है? बाब अल मंडेव एशिया और अफ्रीका को अलग कर रहा है ना, या यहाँ अदन की खाड़ी है और यहाँ पे लाल सागर है, अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ रहा है ना, ये जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? जल संधि, यहां से पानी यहां जा रहा है, तो ये जो जल संधि है अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ता है या एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। कौन सी हो जाएगी जल संधि? बाब अल मंडेव। पिछले एग्जाम में बीपीसी के एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मोजाम्बिक जल संधि। यहाँ पे जो देश है अफ्रीका का, एक मोजाम्बिक देश है, ये जो द्वीप है मेडागास्कर द्वीप है, इनके बीच में कौन सा हो जाएगा? मोजाम्बिक जल संधि। कौन सा हो जाएगा? मोजाम्बिक जल संधि। कौन सा हो जाएगा? मोजाम्बिक जल संधि जो है मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है, समझ आया? उसके बाद देखेंगे वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि जो है, वास्पोरस जल संधि जो है, वास्पोरस जल संधि ये एशिया और यूरोप को भी अलग करता है। यहां पर एशिया यूरोप में है, यहां पर एक काला सागर, एक है मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर। ठीक है, काला सागर और मरमरा सागर के बीच में कौन सी जल संधि है? वास्पोरस जल संधि। कौन सी जल संधि हो जाएगी? वास्पोरस जल संधि। इसको 10 नंबर नोट कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे या 10 नंबर में वास्पोरस जल संधि किसको किसको अलग कर रहा है? एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। कौन सी जल संधि? एशिया और यूरोप को कर रहा है वास्पोरस जल संधि, और काला सागर और मरमरा सागर को मिला रहा है। बीच की जो जल संधि है, यानी कि यहां से इसके जल इसमें आएगा, इसका जल इसमें जाएगा, जल संधि में, तो कौन सा हो जाएगा? वास्पोरस जल संधि, वास्पोरस जल संधि, वास्पोरस जल संधि। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि कहां है? जिब्राल्टर जल संधि को देखेंगे, ये आ जाएगा भूमध्य सागर और ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, जहां हम लोग का हिंद महासागर है। ठीक है, तो जिब्राल्टर जो जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि यहां पर आ जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि जो कि 11 नंबर है। कौन सा नंबर हो जाएगा? 11 नंबर, समझ आए ना? ये जो है जिब्राल्टर जल संधि क्या करता है? जिब्राल्टर जल संधि देखेंगे तो ये यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है, या भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है, समझ आए ना? यूरोप जिब्राल्टर, यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है, या यहां पर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। उसके बाद देखेंगे डोबर जल संधि। डोबर जल संधि जो है यहां पर ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। कौन कौन सा जल संधि? डोबर जल संधि। कौन सी जल संधि है? डोबर जल संधि, जो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, समझ आया ना? डोबर जल संधि किसको किसको अलग कर रहा है? ब्रिटेन और फ्रांस में। यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर इंग्लिश चैनल है और उत्तरी सागर। कौन कौन सा सागर है? उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल। उत्तरी सागर इंग्लिश चैनल को जोड़ेगा कौन सा? डोबर जल संधि, या ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करेगा, समझ आया? उसके बाद देखेंगे डेनमार्क। डेनमार्क जल संधि जो है, डेनमार्क जल संधि है, ये कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसलैंड, ये है ग्रीनलैंड। आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग कर रहा है कौन सी जल संधि? डेनमार्क जल संधि। कौन सी? डेनमार्क जल संधि। ठीक है, उसके बाद देखेंगे डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है ये ग्रीनलैंड और ये कौन सा देश हो जाएगा? कनाडा। कनाडा है ना, ये कौन सा देश हो जाएगा? कनाडा। और कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है? कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि, समझ आए? ठीक है, इसको फिर से रिवीजन कर लेंगे। एक नंबर पे क्या है?
एक नंबर में है पाक जनसंधि जो भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है, ठीक है। दो नंबर में हो जाएगा आपको ग्रेट चैनल जो कि भारत और इंडोनेशिया को अलग कर रहा है, या अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को अलग कर रहा है। तीन नंबर में हो जाएगा इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने वाली जल संधि, मलक्का जल संधि। चार नंबर में देखेंगे तो सुशीमा जल संधि जो कि आपका दक्षिणी कोरिया और जापान को अलग कर रहा है। पांच नंबर में देखेंगे तो सुगारू जल संधि जो कि जापान के ही दो द्वीप होंसू द्वीप और होकंडा द्वीप को अलग करता है। उसके बाद देखेंगे छह नंबर देखेंगे तो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जो रूस के साइबेरिया और अमेरिका के अलास्का को अलग करता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सात नंबर कौन सा, कुक जल संधि। कुक जो है उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करता है, ठीक है। आठ नंबर पे है बाब अल मंडेव जल संधि जो कि यहाँ पर अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ता है या एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। नौ नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे मेडागास्कर द्वीप है जो कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक को अलग कर रहा है। दस नंबर में कौन सा है, दस नंबर में देखेंगे तो वास्पोरस जल संधि है, वास्पोरस जल संधि जो कि यहाँ यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है या काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ रहा है, ठीक है। ग्यारह नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है जो कि एशिया यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है, यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है या भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। बारह नंबर पर देखेंगे तो बारह नंबर में कौन सा हो जाएगा, डोवर जल संधि जो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग कर रहा है या उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ रहा है, समझ रहे। उसके बाद देखेंगे डेनमार्क जल संधि जो कि आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग कर रहा है। उसके बाद लास्ट में है चौदह नंबर पे डेविस जल संधि जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग कर रहा है, समझ रहे। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, जल संधि के बारे में हमने समझा। दूसरे किसी वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।